मैंने कहा था कि जिस वक्त या जब कोई पार्टी पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देगा मैं उसके साथ चलूंगा। जनाब नरेंद्र मोदी साहब, जनाब अमित शाह साहब और जनाब रविंद्र रैना साहब, इन्होंने मिल के अपना वो वादा पूरा किया। हम पहाड़ियों को एसटी दिया और हमने भी अपना वादा पूरा किया। बिलखसूस जो मेरे साथी आज इस जमात में शामिल हो रहे हैं तो तकरीबन सभी सरपंच पांच अफराद बरहाल आपसे बार बार मुलाकात होती रहेगी आप इंशाल्लाह, लेकिन आज मैं अपना पुराना वादा पूरा कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि जिस वक्त या जब कोई पार्टी पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देगा मैं उसके साथ चलूंगा। बहरहाल मेरी वो ख्वाहिश पूरी हुई। जनाब नरेंद्र मोदी साहब, जनाब अमित शाह साहब और जनाब रविंद्र रैना साहब, इन्होंने मिल के अपना वो वादा पूरा किया। हम पहाड़ियों को एसटी दिया और हमने भी अपना वादा पूरा किया। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बहुत बड़ी कद्दावर शख्सियत के मालिक, जिन्होंने माजी में जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकारें बनती थी उनमें हमेशा जिस शख्सियत का बहुत बड़ा रोल रहता था, जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। सैयद मुश्ताक बुखारी साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। मैं हमारी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है अशोक कौर साहब, उनसे गुजारिश करता हूं कि शाल पहनाकर पार्टी ऑफिस में जनाब मुश्ताक बुखारी साहब का इस्तकबाल करें। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ के साथ साथ हम ऑफिशियली मुश्ताक बुखारी साहब का भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करते हैं।